मंसूरी समाज का महाधिवेशन संपन्न। 25 दिसंबर 2018 प्रतापगढ़ शहर में मंसूरी समाज के महाधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष लानुर मंसूरी घोसुंडा वाले, मुख्य अतिथि यूनुस मंसूरी, राष्ट्रीय महासचिव मंसूरी समाज, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट शब्बीर मोहम्मद मंसूरी, प्रतापगढ़ अंजुमन फुरकनिया सदर हाजी खानशेद खान, हाजी आमिर मोहम्मद मंसूरी भी उपस्थित रहे तथा समाज में फैली कुरीतियों को बंद करने और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर उच्च तकनीकी शिक्षा से मंसूरी समाज के युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया तथा समाज के उत्थान पर बल दिया। अब्दुल हकीम मंसूरी गमरार ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुछ भी काम करने के लिए पूरी ईमानदारी लगन की जरूरत होती है, तभी वह काम सफल होता है। मंसूरी समाज के राष्ट्रीय महासचिव यूनुस मंसूरी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करने हुए उच्च शिक्षा हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित और तालीम याफ्ता हो, तथा उन्होंने समाज को एकजुट होने का भी आह्वान किया। उदयपुर से आए जाहिद मोहम्मद मंसूरी ने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है और जिस घर में महिला शिक्षित होती है वह समाज जरूर तरक्की करता है। इस समारोह के सफल आयोजन में राहत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का भरपूर योगदान रहा। अध्यक्ष उद्बोधन में डॉ आसिफ हुसैन मंसूरी ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चलाती है जिनका हमें लाभ लेना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर भी रोशनी डाली। कार्यक्रम का संचालन इकराम मोहियुद्दीन मंसूरी और वसीम मंसूरी ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में भारत के तमाम राज्यों से आए मंसूरी समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत फरमाई, जिसमें मंसूरी समाज के हजारों मर्द, खवातीन, नौजवान बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाइट यूनुस मंसूरी, राष्ट्रीय महासचिव मंसूरी समाज। आपका गलवा बिखेर दीजिए और हिंदुस्तान की बोरी समाज की मंसूरी कौम की। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तारीख पढ़ी है इस कौम की, तारीख उस तारीख के अंदर मैंने एक वक्त पर यह पढ़ा है कि अगर इस कौम का 12 साल बच्चा शेर के मुंह में हाथ डालता था तो शेर के दो फाड़ कर देता था, शेर के दो टुकड़े कर देता था चीर कर। मैंने उस तारीख को पढ़ा है, मैंने उस तारीख को पढ़ा है कि जब इस कौम के नौजवान जंगे आजादी के परवाने बने हुए थे और हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस दिन इस कौम के नौजवान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और इस कौम के नौजवानों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई। मैंने उस तारीख को पढ़ा है, मैंने उस तारीख को पढ़ा है कि इस कौम ने इस हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अजीम तरीन आलिम दीन दिए हैं, पुराने हाफिज कारी और बड़े बड़े मौजिज दिए हैं जिन्होंने इस्लाम का और दीन का टंका इस दुनिया में बजाया है। उन नौजवानों और उन दीनी लोगों को जब इस हिंदुस्तान को जरूरत महसूस हुई, दिल्ली से पेशावर की हर पेड़ की शाख पर वो मेरे दीनी आलिम इस कौम के शहीद हजरात ने अपनी जानों की कुर्बानियां उन पेड़ों पर दी है जो दिल्ली से पेशावर तक है। मैंने उस तारीख को पढ़ा है। आपकी मिटा दिया गया है इतिहास से, गुजरात की सरजमी विसनगर, हिंदुस्तान जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। और सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया वालों को सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस वीडियो को बुलंद आगाज करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। शहीदा का सिला हमने गवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान।
शिक्षा का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। जितने भी हमारे अभी वक्ता जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी है कि जब कभी भी कोई काम हम हाथ में लेते हैं, मैं रात को यहां पर आया था, यहां के बारे में ही नहीं, मैं आपकी यूनुस भाई के साथ और भी शहरों में चित्तौड़, अजमेर, जयपुर सब जगह गया और हर जगह कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आज प्रतापगढ़ की सरजमीं पर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ मंसूरी समाज का, जिसे कि प्रतापगढ़ मंसूरी समाज ने आयोजित किया है। और हमारे यहाँ पर भामाशाह यूनुस मंसूरी जो है, उन्होंने पूरा सहयोग किया, यहाँ की नौजवान टीम ने सहयोग किया। ये महाधिवेशन जो हमने रखा है, हमारी मंसूरी बिरादरी जो कि तमाम मुस्लिम बिरादरियों में काफ़ी पिछड़ी हुई बिरादरी है, शिक्षा का स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर बहुत नीचे के दर्जे पर है। हमें इस समाज को संगठित करके उसमें जागरूकता पैदा करनी है, ताकि आर्थिक रूप से मजबूत हो, सियासी बेदारी आए और तमामी जो हमारे हक हुकूक, हमारे अधिकार हैं, वो हासिल कर पाए। आज प्रतापगढ़ की सरजमी से ये हमने एक नया आगाज़ किया है, एक क्रांतिकारी आंदोलन का, एक इनकलाब का आगाज़ किया है। आज हमारी मंसूरी बिरादरी ने यहाँ इकट्ठे होकर, इस ज़बरदस्त भीड़ के साथ इकट्ठे होकर ये सबूत पेश कर दिया कि अब ये बिरादरी अपने हकूक लेगी, अपने अधिकार लेगी, इस मुल्क के असल मालिक होने का अधिकार अब ये प्राप्त करेगी। और